अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स वेजिटेबल और राइस, फ्राइड राइस। और इसमें क्या क्या जाएगा, ये मैंने मटर, गाजर, शिमला मिर्च, ग्रीन ओनियन और बंद गोभी ले ली है। चावल रात के बचे हुए थे, दो अदद अंडे, सोया सॉस और ये चिली गार्लिक, काली मिर्चें और नमक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने डाला है लहसुन, डेढ़ टेबल स्पून मैंने लहसुन का डाले, लहसुन की डाली है मैंने। ऑयल थ्री टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। चावल बचे हुए थे रात के, सब्जियाँ भी घर पे थी, तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून जीरा। ये पहले वाला रखा हुआ था ना, चिकन ब्रेड हमने जो बनाई थी, चिकन नान उसी का था रखा हुआ, यही यूज करेंगे हम। लहसुन हमारा हो गया, सबसे पहले गाजर और ये डालेंगे मटर, क्योंकि ये थोड़े गलने में टाइम लेते हैं, कुछ ये फ्रोजन ही थे पड़े हुए, कुछ मैंने फ्रेश ले ली है गाजर। अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन ओनियन, हरा प्याज, थोड़ा सा ये भी सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम डालेंगे शिमला मिर्च। धनिया हो गई हैं, अब मैं डालने लगी हूँ शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाह। इसको भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन ये मैंने बनाई हुई थी नान के लिए, तो वैसे तो इसके लिए चिकन जो चाहिए होती है उसमें सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा नमक डाल के उबाइल करके तो ऐसे कर लें, मैश कर लें इसको, ज़रूरी नहीं है इतने मसाले और ये चीज़ें हों इसमें। इधर मैं फ्राई करने लगी हूँ अंडा, दो अदद अंडे, हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है, सोया सॉस 3 टेबल स्पून सोया सॉस, गार्लिक और गार्लिक चिली, थोड़ा सा नमक और इसमें सब मैंने डाल दिया। सारा नहीं डाला, वो तो बहुत सारा था, तकरीबन होगा ये 1.5 पाव होगा, 1.5 पाव होगा ये। इसमें मैं डालने लगी हूँ अदरक थोड़ी सी, थोड़ा
डाला है मैंने जो फ्राई किया था। मिक्स मैंने कर लिया, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ बंद गोभी। अब इसको हम लगा देंगे दम पे। ये हमारा बैक साइड है, पीछे की तरफ है हमारा एरिया। फ्राइड राइस हमारे तैयार हो गए हैं, देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।